हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर। दोस्तों, ये सीरीज हमने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्टार्ट की है, जो कि आपके आने वाले समय में एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगी, और ये इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को जल्द से जल्द शुरू करते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल भी आज बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहां कर रहा है? राइट आंसर है इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, हरियाणा के सोहाना के पास भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कर रहा है। इस सुरंग में एक डबल कंटेनर मालगाड़ी, या आप ट्रेन कह सकते हैं, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में सक्षम होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन अपने आप में ही यूनिक है। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? राइट आंसर है इसका आनंद में, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, गुजरात के आनंद में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहां शहद की शुद्धता, मिलावट, रासायनिक पदार्थों के अवशेष और एंटीबॉडी की जांच की जा सकेगी। किस देश ने मंगलयान के लिए अपना पहला, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन डी। किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की? राइट आंसर है इसका श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये श्रीलंका की है और इनका नाम है श्रीपल्ली वीराकोडी। किसे पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये पहला लिखा है, पहले, तो इसका राइट आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ग्रेटा थुनबर्ग को पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया है। ग्रेटा थुनबर्ग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है कि ये किस देश की हैं? तो दोस्तों, ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया? राइट आंसर इसका रूस, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये एक गैस टर्बाइन विमान इंजन है। बांग्लादेश के लिए पहली, इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना की गई? राइट आंसर इसका कोलकाता, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, कोलकाता से पहली कंटेनर ट्रेन बांग्लादेश के लिए रवाना की गई है। ये ट्रेन तेल, साबुन, शैंपू और कपड़े लेकर गई है। किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इसे रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। किस देश में भारतीय मूल की नर्स कला नारायण सामी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और इसका राइट आंसर है सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। किस देश ने ATGM ध्रुवस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? राइट आंसर है इसका भारत, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, ATGM का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसे DRDO द्वारा बनाया गया। 2020 में एनी रॉस का निधन हुआ, वे कौन थीं? सही आंसर है इसका गायिका, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये इंग्लैंड की थीं। किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये,
और इसका राइट आंसर है चीन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इसका नाम है ताई युआन और इसे लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। किससे? लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट से। डीआरडीओ ने कोविड-19 रोगियों के लिए 2 अस्थायी अस्पताल कहां स्थापित किए हैं? राइट आंसर है इसका बिहार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, याद रखिएगा। इसमें हर एक अस्पताल की क्षमता 500 बेड है। बुक हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा अन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? इसका आंसर है दोस्तों तेंजिन गेये टेथोंग, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2020 में चार्ली डेनियल का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका म्यूजिशियन, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन? तो याद रखिएगा, इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। किस एम्स ने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका नागपुर, यानी कि ऑप्शन बी। इसे आईआईटी जोधपुर और आईआईटी नागपुर द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया है। डीआरडीओ ने कहां कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? राइट आंसर है इसका लेह, यानी कि ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल के नाम से इसे लॉन्च किया है और इस वेबसाइट को आप www.jobs.delhi.gov.in के नाम से सर्च कर सकते हैं। किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका BOB, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। 2020 में अमला शंकर का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका कोरियोग्राफर, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल की थी। किसने एक्नो जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका अमेज़न पे, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन उम कापा का निधन हुआ? राइट आंसर है इसका तंजानिया, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और यहाँ की मुद्रा है तंजानिया सीलिंग। किस राज्य सरकार ने SBI के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर इसका महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। ये क्या है तनाव फंड? तो दोस्तों, ये तनाव फंड महाराष्ट्र में जो रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास योजना है उसको दोबारा से शुरू करने के लिए है तनाव फंड। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया बुक के लेखक कौन है? सही आंसर है इसका स्टीव वॉ, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। जुलाई 2020 में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहां आरंभ हुआ था? राइट आंसर है इसका ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे संबोधित किया और इसका थीम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका थीम है वी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। दोबारा बोलता हूं मैं, बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।